नमस्कार मित्रों, नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे की गुरु मंत्र श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ मीडिया शिक्षक प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी। तिवारी जी के पास विविध तरह के अनुभवों का खजाना है। देश के 7 विश्वविद्यालयों से आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए प्रोफेसर के पद के लिए। विदेशों में 3-3 स्कॉलरशिप मिली। देश के प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आपने काम किया। अनेक प्रमुख पत्रकारों लेखकों के सानिध्य में आपको लिखने की प्रेरणा मिली। उनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध रहे और देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक चयन समितियों में आपने नए शिक्षकों का चयन किया और पत्रकारों की, मीडिया शिक्षकों की एक पूरी पीढ़ी को आपने अपने कार्यकाल में देखा और समझा है। तो आइए आज उन्हीं के जीवन के कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। हालांकि आपकी एक पुस्तक सपने सच होते हैं प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने जीवन के कई पक्षों की बातचीत की है और बहुत ही रोचक पुस्तक है, जिसे यदि एक बार आप पढ़ना शुरू करें तो एक सेटिंग में पूरी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम प्रोफेसर तिवारी से बात करते हैं उनके जीवन के कुछ विविध पक्षों पर। तिवारी साहब नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे की ये जो श्रृंखला है, इसमें हमारी ये कोशिश रही है कि देश के जो वरिष्ठ मीडिया शिक्षक हैं, क्योंकि आज के संतोष तिवारी जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनका वो जीवन का संघर्ष, जीवन के कुछ ऐसे पक्ष जिन्होंने उन्हें सतत कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी, कुछ उन पक्षों पर बातचीत करेंगे। और शुरुआत करेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ और पारिवारिक परिवेश आपका किस तरह का था, आपका जो पढ़ाई लिखाई प्राथमिक कक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा तक, उसका कुछ एक यात्रा के बारे में आप बताएं कि किन संघर्षों में या किस तरह से आपका वो सारा का सारा जो दौर है वो आगे बढ़ता है। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ जी। मेरे पिताजी किराए के मकान में रहते थे और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे, वही दो मंजिला मकान ही था। इसके बाद पिताजी के पास एक साइकिल थी, वो भी उन्होंने लोन से खरीदी थी 200 रुपए के करीब, उसकी रसीद अभी भी रखी हुई है मेरे पास। तो इसके बाद उन्होंने एक प्लाट खरीदा, उसमें 2 कमरे बनवा लिए, तो जहाँ पे आके रहने लगे। उन दिनों ये नहीं था घर में कि अच्छा स्कूल कौन सा होता है, कहीं कोई पढ़ जाए वही अच्छा स्कूल है। तो जो घर के पास स्कूल था वो लड़कियों का स्कूल था, तो वहां पे कुछ लड़के भी पढ़ते थे, तो 5वें क्लास में मुझे वहां एडमिट करा दिया गया, क्योंकि वही सबसे पास था तो पैदल जाते थे, पैदल आ जाते थे। आजकल जैसी जो बच्चों को सुविधाएं हैं वो सब नहीं थी, और घर में बिजली नहीं थी, लालटेन में पढ़ाई होती थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ होता गया और वहां से फिर मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ा। डीएवी कॉलेज के बाद लखनऊ में कानपुर कॉलेज है, वहां पढ़ा, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा। फिर एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जितना मैं कहता हूं कि मैंने किया, ये सब ईश्वर करता गया जी। जिसको मतलब मैं सिर्फ अपनी भाषा में कह रहा हूं मैं, वरना ये शरीर करता गया और उसमें मेरा कुछ बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो सर, आप जो स्कूल में जब थे, आप 10th, उस समय 10th में मेरे ख्याल आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने पड़ते थे, तो किन विषयों का चुनाव किया आपने? उन दिनों हमारा कोई चुनाव नहीं होता था, हमारे पिताजी ने चुनाव कर दिया, वो हमारा चुनाव हो गया, और वो था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। वो शायद हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने और वो विज्ञान में प्रवेश करा दिया करता था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, और वो भी मतलब आईएएस में नहीं की इच्छा थी उनकी, तो यूपी की सिविल सर्विस में। ओके। तो उसमें मैं कभी एग्जाम में नहीं बैठा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी ये इच्छा थी कि मैं लेखक बनूं जी और कहानीकार बनूं जी, लेखक में भी कहानीकार बनूं जी। तो उन दिनों जब मैं 10th में था तो मुझे ये सब पता नहीं था कि लेखक में क्या फर्क होता है, कहानीकार में क्या फर्क होता है, जर्नलिस्ट में क्या फर्क होता है, तो ये सब मुझे पता नहीं था। तो
मैं नवजीवन अखबार लखनऊ से निकलता था, नेशनल हेराल्ड ग्रुप पर था, तो वहां मैं गया, मैंने कहा भाई यहाँ कोई नौकरी मिल सकती, तो उन्होंने कहा नहीं नौकरी नहीं। ये आप दसवीं क्लास के बाद गए थे वहां? नहीं, मैं शायद दसवीं क्लास के बाद नौकरी के लिए नहीं गया था, थोड़ा सा मैं। तो उसके बाद जब आपने ग्रेजुएशन किया, उस समय क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? ग्रेजुएशन में भी मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे। अच्छा, बीएससी किया आपने, फिर मास्टर्स? मास्टर्स हमने जो है मैथमेटिक्स में किया। अच्छा, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद आप नेशनल हेराल्ड में गए? ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया, इसके बाद मैंने एलएलबी की, इसके बाद मैंने एलएलएम भी किया, इसके बाद मुझे एक फेलोशिप मिल गई थी, तो मैंने जर्नलिज्म का एक कोर्स थॉमसन फाउंडेशन स्कॉलरशिप का किया, लंदन में था वो। अच्छा, और वो उस समय उसमें पूरी दुनिया से 12 लोग सेलेक्ट हुए थे। नहीं, लेकिन वो शोध पर अपन बाद में आएंगे, लेकिन जो आपने ये पढ़ाई की और आपने कहा कि मैं कहानीकार बनना चाहता था और आप नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में गए, वो प्रसंग आप सुना रहे थे, तो वो कब की बात है? वो आप पढ़ते थे उसी समय की बात है या पढ़ाई पूरा करने के? पढ़ते थे उसी समय की बात है, पढ़ते थे उसी समय की बात। तो पढ़ाई के समय आपका लिखने पढ़ने में कोई उस तरह से रुचि नहीं रही कि आपने स्कूल की मैगजीन में कहानियां लिखी? नहीं, 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 स्कूल की मैगजीन में नहीं, लेकिन मैंने नवजीवन अखबार में लिखा। अच्छा अच्छा, नवजीवन अखबार में मैंने एक कहानी लिखी, फिर हमने कादम्बनी निकलती थी वहां से दिल्ली से, उसमें लिखा, और भी कुछ जगह लिखा, स्कूल की मैगजीन वगैरह में नहीं लिखा, लेकिन इस तरह के उसमें लिखा। तो आप कादम्बनी और जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं इनमें आप छपने शुरू हुए, तो ये आपके विद्यार्थी जीवन के ही आपको अवसर मिल गया था ये सब? विद्यार्थी जीवन में। अच्छा, कहानियां उसी समय छपने लगी आपकी? हाँ, लेकिन क्या है, उन दिनों मुझे ज्यादा फर्क नहीं पता था, तो मैं लेखों की ओर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, लेख लिखना जो है वो हमको कुछ ज्यादा आसान लगा। और फिर मैं अखबार में जब नौकरी करने लगा, तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था, अखबार में नौकरी भी कर रहा था, तो उससे ये हुआ कि वही लिख देता था। नहीं सर, लेकिन आपने विज्ञान के विद्यार्थी रहे, गणित में आपने एमएससी किया और फिर आपने एलएलबी किया, एलएलएम किया, तो आपके सामने कई विकल्प होंगे। आप टीचिंग में जा सकते थे, आप वकील बन सकते थे, लॉ के प्रोफेसर बन सकते थे, साइंस के प्रोफेसर बन सकते थे, कहानीकार बनना चाहते थे, तो अचानक ये पत्रकारिता का पैशन कैसे हुआ आपको? ये सब पत्रकारिता का पैशन जो है पता नहीं क्यों शुरू से ही था, तो मैंने कुछ और बनने की सोची नहीं जी। और मैं जब मैं एमएससी में था, तो मैं अपना एक अखबार निकालता था, उसका नाम था तरुण प्रहरी जी। और वो 2-2.5 साल निकला, फिर इसके बाद उसको किन्हीं कारणों से बंद करना पड़ा। फिर हमारे जो प्रेस वाले थे वो बोले कि नहीं नहीं अरे हम निकालेंगे, और आप उसमें तो वो एक बाल बंधु निकालने लगे, बच्चों की पत्रिका, वो निकली 2-3 साल। फिर इसके बाद घर का प्रेशर आया कि नहीं नहीं तुम जो है ये सब बेकार का काम कर रहे हो, तुम कहीं नौकरी करो। तो खैर नौकरी वोकरी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर एक मैगजीन थी सहकारिता साप्ताहिक, उसको निकाला। फिर इसके बाद मेरा दैनिक जागरण में अपॉइंटमेंट हुआ। दैनिक जागरण में अपॉइंटमेंट जो हुआ वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और नरेंद्र मोहन जी उसके मालिक थे, उनके साथ मुझे एक्रॉस द टेबल काम करने का मौका मिला। और उन दिनों इसके संस्थापक थे पूर्णचंद गुप्ता, यानी नरेंद्र मोहन के पिताजी, वो भी जो है आते थे अखबार में, ऑफिस में। तो नरेंद्र मोहन जी का जो वो अखबार था उसमें सब काम बहुत होता था, और इतना काम था कि वो दैट वाज ए वेरी गुड ट्रेनिंग ग्राउंड, आई शुड से अग्रण वाज ए वेरी गुड ट्रेनिंग ग्राउंड दोस डे। हम शाम 4 बजे जाते थे और कभी कभी सवेरे 4 बजे लौटते थे, लेकिन इस सब में हमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी, आपको बता दें, इट वाज एन एंजॉयमेंट। और इसके बाद लेकिन लेकिन आपका मन तो रमा हुआ था कहानी और लेख लिखने में, लेकिन फिर वो लगा दिया आपको पत्रकार तो एडिटोरियल डेस्क पर जी, वो चीजें जो है वो हट गई, कहानी जो है वो हट गई। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें आ गए, फिर इसके बाद मैं आ गया अमृत प्रभात अखबार था। थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि जो पहला अखबार जागरण, देश का इतना बड़ा अखबार, तो आपने कैसे सोचा कि आपके पास पत्रकारिता की औपचारिक डिग्री नहीं, विज्ञान के विद्यार्थी,
ठीक है आपने कुछ अखबार निकाले, लेकिन अनायास आप एक इतने बड़े अखबार में गए, तो कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका, कोई इंटरव्यू हुआ? ऐसा है, जी ये सब अनायास नहीं हुआ। जी और दैनिक जागरण जो है उन दिनों कानपुर से निकलता था, जी मुझे मेरे एक मित्र थे उन्होंने बताया कि दैनिक जागरण लखनऊ से लॉन्च होने वाला है। ओके तो हमने कहा ठीक है, मेरी इच्छा थी, मैं कानपुर गया यहाँ से और सीधे नरेंद्र मोहन के ऑफिस गया, दैनिक जागरण के ऑफिस। और मैं शायद वो बहुत जल्दी पहुंच गया था, 9:30 बजे पहुंच गया था, और नरेंद्र मोहन देर से आते थे, तो आई वेटेड फॉर हिम। जब वो आए तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा मैंने सुना है कि आप लखनऊ में अखबार निकालने जा रहे हैं और मैं आपके अखबार में काम करना चाहता हूँ, तो आप चाहे कोई रिटन टेस्ट लें, चाहे इंटरव्यू लें, चाहे दोनों लें, आप उसमें हमें मौका दें, दैट वाज द होल थिंग। और सीधे मेरी बात नरेंद्र मोहन से हुई और किसी से मैंने बात नहीं करी। तो जब यहाँ निकला तो नरेंद्र मोहन ने मुझे जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, एंड ही सेलेक्टेड मी, दैट वाज द स्टोरी। कोई विज्ञापन नहीं निकला, आप सीधे चले गए? नहीं, इसका कोई विज्ञापन निकला था। अच्छा, उसके आधार पर आपने अप्लाई किया था? हाँ, उसके आधार पर हमने अप्लाई भी किया था, इसका कोई विज्ञापन निकला था, लेकिन हम सीधे जो है उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि आप हमारा रिटर्न लें, इंटरव्यू लें, कुछ भी लें, और मैं आपके अखबार में काम करना चाहता हूँ। और यही जो है, जब अमृत प्रभात निकलना शुरू हुआ, अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप का अखबार था, तो मैं उसके भी एडिटर के पास जाके मैंने यही बातें कही थी कि आप रिटर्न लें, इंटरव्यू लें, कुछ भी लें, मुझे जो है उसका मौका दें। तो अखबार का आपने कितने साल काम किया जागरण में उस समय? करीब जागरण में मेरा बड़ा शॉर्ट टर्म था जी, और मैं समझता हूँ अब यार एग्जैक्ट तो मैं भूल भाग गया, लगभग तो, साल, दो साल, तीन साल? नहीं, इतना नहीं था, वो एक साल के अंदर ही था। तो अचानक एक इतना बड़ा अखबार हिंदी का, तो कोई विशेष कारण था कि आपने एक साल में अखबार छोड़ने का फैसला किया? वेतन ज्यादा मिल रहा था या कुछ? तो मैं बता दूं विशेष कारण था। जी जी, विशेष कारण ये था कि उन दिनों मेरा अहंकार बहुत था, अब तो अहंकार कम हो गया, डूब गया है जी, तो जी। और पता चल गया है कि अहंकार का कोई मतलब नहीं होता। वहां जब मीटिंग होती थी तो मीटिंग में नरेंद्र मोहन के लिए बहुत अच्छे कप में चाय आती थी, अच्छा, और बाकी लोगों के लिए जो है क्या बोलते हैं साधारण उसमें चाय दी जाती थी। अच्छा। तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता था, तो मेरा अहंकार हर्ट होता था। तो हमने सोचा कि यार यहाँ से निकल लिया जाए, ये जो है मैंने कभी उनसे कहा नहीं और कभी किसी से भी नहीं कहा, तो ये जो अहंकार जो मेरा हर्ट होता था, तो वो मैं वहां से जब मैं वहां छोड़ने लगा, नरेंद्र मोहन ने मुझे रोका, उन्होंने कहा कि नहीं आप काम करें, मेरी सैलरी बढ़ा दी। तो लेकिन हमने कहा यहाँ व्यवस्था तो यही चलेगी, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको नरेंद्र मोहन ने दी थी, बाद में मेरे उनके संबंध बने रहे। नरेंद्र मोहन ने इन राइटिंग एक बार मुझे लखनऊ की रेजिडेंट एडिटरशिप भी दी थी, और उन दिनों मेरा एक्सपीरियंस कम था, तो मैंने नरेंद्र मोहन एक लेटर लिखा, हमने कहा देखिए एडिटरशिप तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के पहले आपके जितने मुकदमे चल रहे हैं एम्प्लॉइज के साथ, सब जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल कीजिए। अच्छा। क्योंकि मतलब ये मुकदमेबाजी और वो भी एम्प्लॉइज के साथ, वो सब मुझे पसंद नहीं थी। तो इसके बाद से नरेंद्र मोहन ने हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। अच्छा, मुझे भी ये सब पता नहीं था कि अखबारों में ये सब होता ही है, मुकदमे चलते ही रहते हैं। लोग थे उनको मैं जानता था, वो परेशान थे। तो जी। फिर खैर मुझे यहाँ जब जॉब मिल गया, क्या बोलते हैं अमृत प्रभात में, दैट वाज अ और वहाँ काम बहुत कम था, नरेंद्र मोहन ने इतना मुझे काम सिखा दिया था दैनिक जागरण ने कि फिर मैं किसी भी अखबार में गया तो मुझे लगता था ये तो सब चुटकियों का काम। जी जी। तो अमृत प्रभात के बाद फिर आप टीचिंग में आने का कब सोचा आपने फिर? और टीचिंग में आने का मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा, टीचिंग में आने का मैंने कभी नहीं सोचा। आपको एक बात और छोटी सी बता दें जी, हमारे एक मित्र थे वो LLM कर रहे थे, प्रकाशन जोशी जी, तो उन दोनों LLM में एक डिसर्टेशन लिखना होता था,
अच्छा तो उन्होंने एक मार्शल लॉ इन इंडिया पर डिसर्टेशन लिखा, और मैं हिंदी स्कूलों को पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी अंग्रेजी अंग्रेजी मुझे थोड़ी बहुत आती थी, और पीसी जोशी ऐसा समझते थे कि इनकी अंग्रेजी ठीक है, तो उन्होंने हमको वो डिसर्टेशन पढ़ने के लिए दिया कि इसको जरा पढ़ डालो, सब ठीक ठाक है। तो वैसे तो मैं किसी के उसमें मुझे फुर्सत नहीं रहती ये सब काम करने की, लेकिन हमने कहा यार हमारे मित्र हैं तो पढ़ डालें, तो हमने उसको पढ़ा, तो हमें लगा यार इसमें तो एक बहुत अच्छा लेख निकलता बनता है। तो मैंने फिर उस डिसर्टेशन के बेस पे एक लेख लिखा। उन दिनों क्या हुआ था कि जैसे आजकल अक्सर खबरें चलती है ना कि नरेंद्र मोदी के बाद ये आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर ये हो जाएगा, फिर इलेक्शन नहीं होंगे, ये होगा वो होगा। तो उन दिनों इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने के यहां से एक रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया भेजी गई जो कि लीक हो गई कि यहां पर मार्शल लॉ लगने वाला है इंडिया में। अच्छा तो फिर उसी के बेसिस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट आर द मार्शल लॉ प्रोविजंस अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ओके हमारे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें मार्शल लॉ प्रोविजंस क्या है। तो जी. इस पर एक लेख लिखा, वो अमृत प्रभात में हमने अपने एडिटर को भेज दिया, हमारे संपादक जी ने उसको छाप दिया एडिट पेज पे, और छाप दिया, मुझे 30 रुपए का पारिश्रमिक मिला। अच्छा और यही शायद चलता रहा होगा। फिर जब उन दिनों में अखबार जो है पूरे पढ़ता था, यानी कवर टू कवर आखिर तक, वो पतले होते थे आजकल की तरह नहीं होते थे, तो लखनऊ से एक अखबार निकलता था पायनियर, और तो वो पायनियर जो है 8 पेज या मेरा ख्याल 8 ही पेज का अखबार होता था। तो उसके जो फाइनेंस पेज है, उन दिनों फाइनेंस पेज छोटा सा होता था, उसमें एक मुझे खबर निकली कि टॉमसन फाउंडेशन की फेलोशिप निकली हुई है और इस पर आप अप्लाई कीजिए। अच्छा वो हम अपने साथ 5 आर्टिकल मांग रहे थे लिखे हुए हों, तो 5 आर्टिकल के बाद जो है वो मांग रहे थे कि एक छोटा सा 500 वर्ड का पीस कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप। तो पहली बार मैंने अंग्रेजी में बैठ के टाइप किया एक एक उंगली से, और फॉर्म मंगाया और उस पर हमने लिखा कि मैंने शायद 250 वर्ड का लिखा था कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप, और 5 आर्टिकल के बजाय मैंने 3 आर्टिकल उनको भेजे थे जिसमें एक आर्टिकल अंग्रेजी में था, वो जस्टिस कृष्णा अय्यर पर था, अच्छा अच्छा और 2 आर्टिकल मेरे हिंदी में थे, और उन उसमें से एक आर्टिकल ये था मार्शल लॉ वाला जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद हमने लगा दिया था। तो इसके बाद इंटरव्यू हुआ दिल्ली में, उनके प्रकाशन जोशी जो हमारे मित्र थे वो दिल्ली में थे, तो इनके साथ हम पहले दिन गए देखने की जहाँ इंटरव्यू था कि वो जगह पहुंचे कैसे पहुंचेंगे क्या, इन्हीं के साथ हम रुके थे। फिर दूसरे दिन इंटरव्यू हुआ, तो जब इंटरव्यू हुआ तो हिंदुस्तान के जितने बड़े ग्रुप हैं वहां से कोई ना कोई कैंडिडेट था, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इंटरव्यू में हमसे जो है जो पूछताछ की, वो सिर्फ पूरी बातचीत उस आर्टिकल पर ही थी, इसके अच्छा। अलावा और कुछ उन्होंने नहीं पूछा। तो मुझे ये अच्छा लगा कि यार ये जो है मतलब सिर्फ इसी की बेस पर ही जो है इन्होंने बात कर रहे हैं, और वो आर्टिकल अच्छा था आर्टिकल, मैं अब ये कह सकता हूँ। तो इसके बाद मुझे लगता है बुलाया भी आपको इसीलिए होगा क्योंकि आप तो जो न्यूनतम उनकी रिक्वायरमेंट थी 5 आर्टिकल वो भी पूरी नहीं कर रहे थे, वो भी नहीं पूरी करते थे, उस एक आर्टिकल ने शायद उनको इस बात के लिए प्रॉम्प्ट किया कि कैंडिडेट को बुलाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा ही था। जी जी तो वहां पर जो है हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने आखिर में एक क्वेश्चन पूछा कि आप भारत में कहाँ कहाँ घूमे। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ कोई घूमने उमने का प्रोविजन है नहीं, आपने हमें दिल्ली में बुला लिया तो अब ये कहा जाएगा कि मैं दिल्ली घूम आया हूँ ना। अच्छा। हम शादी में मैं दुर्गापुर एक बार, मतलब मेरी बहन दुर्गापुर रहती थी, मैं एक बार गया था तो मान लिया जाएगा कि दुर्गापुर घूम लिए, तो और हमारे यहाँ घूमने का प्रोविजन नहीं है कि मतलब घूमने जाएं। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू के बाद, मतलब लंच तक इंटरव्यू चला था उन्होंने, लंच के बाद हम जो है रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, तो आप लोग जहाँ कहीं रुके हों अपने फोन नंबर दे दें और हम आपको फोन नंबर पे रिजल्ट बता देंगे।
हम जहाँ रुके थे वहां कोई फोन नंबर था ही नहीं, तो बाकी कुछ लोगों ने बता दिए, तो शायद सभी लोगों ने बता दिए। उन दिनों फोन बहुत रेयर होता था, लैंडलाइन का। जी जी तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि आप अपना फोन नंबर दे दें, हम खुद ही फोन जी करके पूछ लेंगे आपसे। तो जी जी उन्होंने अपना फोन नंबर दे दिया। तो हम और जोशी जी कनॉट प्लेस पे घूमते रहे, और घूमने में इसी उस दुकान पे गए कि भाई हमें फोन करना है, फोन करना। तो दुकानदार फोन भी ना करने दें, तो 12 घंटा इंटरव्यू हुआ था। तो फिर हम लोग सीधे वहीं चले गए। तो जब चले गए, ऊपर सीढ़ी मैं चढ़ रहा था, तो मुझे ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैं उनसे पूछने गया था कि आप ये बताएं अगली बार ये स्कॉलरशिप कब निकलेगी, तो मैं उस जरा प्रिपेयर होकर अप्लाई इसमें अप्लाई करूंगा करूंगा, तो ये पांच जी। आठ किलो फलाना ढिमकाना सब आपको भेज दूंगा। तो दे स्टार्टेड कांग्रेचुलेटिंग मी। तो थोड़ी देर तो मेरे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा आपके पास पासपोर्ट है? हमने कहा नहीं, पासपोर्ट तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया, और ये है वो है। तो खैर इस तरह से ये रहा। तो आपको सच बताएं, वो सिलेक्शन पीसी जोशी की, अगर मैं डिजर्टेशन न पढ़ता तो शायद मैं वो आर्टिकल भी ना लिखता। तो जो हमने दूसरे की हेल्प करने की कोशिश की, वो वास्तव में मैं अपनी हेल्प कर रहा था। समझ जी जी में आता? सही। तो अमृत प्रभात में रहते हुए आपने फिर ये फेलोशिप के ऊपर जर्नलिज्म का कोर्स किया, तो जी हाँ। कितना, एक साल? जी। द कोर्स वॉज हेल्ड एट लंडन कॉलेज ऑफ प्रिंटिंग, और ओके। उस बार इंडिया से सिर्फ दो जर्नलिस्ट हुए थे, दुनिया से 12 और इंडिया से दो। और बाय द वे दोनों हिंदी के थे, एक मैं अच्छा, था और दूसरे श्रवण गर्ग थे, जो कि हाँ, बाद में वो जो नई अखबार, नई नई दुनिया में ये नई शायद, दुनिया में उन और दोनों थे, फिर भास्कर और में भी समय तक रहे। हाँ बाद में भास्कर ग्रुप में तो खैर ये बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। हाँ हाँ बड़ा नाम है उनका। ये मतलब ये वर्चुअली भास्कर ग्रुप के मालिक की तरह एक्ट करते थे। तो जी। ये था। तो फिर कोर्स करने के बाद क्या, करीब साल भर बाद वापस आए होंगे? 2 साल का कोर्स था वो फेलोशिप। नहीं, इट वाज अ वेरी हेक्टिक कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स था, लेकिन ये था कि इसमें हमको वो सारी चीजें सिखाई गई जो कि आदमी पता चला 2 साल के कोर्स में सीखता है। अच्छा। हाँ, इंग्लैंड में जो है, जैसे यहाँ पर एमए 2 साल का होता है, वहां एमए 1 साल का होता है। तो वो लेकिन बड़ा हेक्टिक होता है सारा सिस्टम। तो वहां से जब मैं लौट के आया, तो मैं चुपचाप अपनी नौकरी करने लगा यहाँ, और वही अमृत मुझे प्रभात पता। ने वापस आपको मौका दिया, मतलब एक हाँ, एक साल मैं बाद वापस जाकर। मैं यहाँ छुट्टी लेके गया था। मैं छुट्टी अच्छा अच्छा लेके गया, अच्छा तो ठीक है। छुट्टी लेके गया था, और मैं यहाँ पर आकर के नौकरी करने लगा। इस बीच नवभारत टाइम्स निकलने का चला, जी। और दिल्ली से जनसत्ता निकलने वाला था, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि दैट वाज नवभारत ए ग्रुप। टाइम्स, लखनऊ संस्करण। हाँ, लखनऊ संस्करण। तो जी। माथुर जी ने, जो राजन माथुर उसके एडिटर थे, तो जी माथुर जी ने हमको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया दिल्ली में। हमको क्या, कई लोगों को बुलाया। जी और इसके बाद लखनऊ में एक रिटन टेस्ट लिया, तो उसमें जी जब सिलेक्शन हो गया मेरा, तो हमने एक दिन माथुर जी से पूछा। माथुर जी बहुत बढ़िया आदमी थे, राजन माथुर। तो एक दिन मैंने जी उनसे पूछा कि ये आपने ये उल्टी गंगा क्यों बहाई, कि लोग पहले रिटन टेस्ट लेते हैं फिर इंटरव्यू लेते हैं, और आपने जी पहले इंटरव्यू कर लिया फिर रिटन लिया। जी बोले, देखो ऐसा है कि हमें पहले ये लगा कि सब लोग बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका रिटन टेस्ट क्या लेना। तो जब इंटरव्यू लिया तो देखा कि सभी स्मार्ट हैं, एक से एक, तो अच्छा। इसलिए ये जरूरी हो गया कि इनका रिटन टेस्ट लिया जाए। तो खैर, मैंने माथुर जी के अखबार में काम किया, यानी नवभारत टाइम्स में। तो उस और समय तो त्रिखा जी होंगे संपादक शायद आपके, नहीं? अच्छा नहीं, त्रिखा जी बाद में आए। त्रिखा अच्छा अच्छा ठीक है। जी संपादक आए, रेजिडेंट एडिटर हो गए, लेकिन माथुर जी जिन्हें जब राम जब स्टार्ट किया था, तो रामपाल सिंह यहाँ स्थानीय संपादक थे, अच्छा, ठीक है। त्रिखा जी बाद में आए। बाद में और आएंगे। उनके साथ, अब मैं बताऊं, जिन जिन अखबारों में मैंने काम किया, उन सब में बहुत सीखने का मौका मिला, और मुझे अच्छे लोग मिले। देखिए, मैंने जो आपसे कहा अहंकार वाली बात और नरेंद्र मोहन की बात, नरेंद्र मोहन में बड़ी क्वालिटीज थी। वो एडवर्टाइजिंग जानते थे,
उनको संस्कृत का ज्ञान था धारा प्रवाह बोलने का, उनको अंग्रेजी का ज्ञान था धारा प्रवाह, उनको हिंदी का ज्ञान था और उनको सर्कुलेशन का भी ज्ञान था। जी तो मतलब थे बहुत ज्ञानी व्यक्ति, इसमें कोई दो राय। अब मेरा अहंकार हर्ट होता था, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये उनकी सही प्रॉब्लम। सही जी। नहीं, लेकिन आप भाग्यशाली रहे कि माथुर साहब, नरेंद्र मोहन जी जैसे पत्रकारों के सानिध्य में रह करके आपने पत्रकारिता बिल्कुल सीखी बिल्कुल और बिल्कुल उस पूरे माहौल को जिया। आज तो केवल एक उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। संयोग से मुझे भी सौभाग्य मिला माथुर जी के साथ मंच पे बैठने का, जी जब जी वो जी जी जयपुर में भी शुरू हुआ था नवभारत टाइम्स, हाँ जी हाँ तब जी वो हाँ जयपुर में उनको दो तीन बार सुनने का। बहुत जी तो बढ़िया बोलते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, तो ये हाँ एक बहुत अच्छा रहा। तो जब आपने इन बड़े बड़े अखबारों में काम किया, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो आपको टीचिंग की ओर ले गई? देखिए साहब, ऐसा था कि जब मैं नवभारत टाइम्स में काम कर रहा था तो मेरा कुछ ये लगा कि अखबार जो है पब्लिक की कंप्लेंट्स को सही तरह से नहीं समझता। पब्लिक जी कंप्लेंट कोई करने आती है अखबार की खबर के खिलाफ तो उसको टरका दिया जाता। तो जी हमने पता किया कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। पता चला प्रेस काउंसिल नाम की कोई संस्था है, वो जो है इसको डील करती। तो हमने प्रेस काउंसिल, और उस जमाने में ओम्बड्समैन का नाम हिंदुस्तान में जाना नहीं जाता था, तो एक आर्टिकल छपा था प्रेस ओम्बड्समैन पे, यानी वाशिंगटन पोस्ट में प्रेस ओम्बड्समैन था। ये यहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एम्बेसी की एक मैगजीन निकलती थी स्पैन, अभी भी शायद निकलती होगी, तो स्पैन में छपा था। तो वो मैंने पढ़ा और हमने कुछ प्रेस काउंसिल की एनुअल रिपोर्ट मंगाई, माथुर जी से मंगाई थी, और हमने उसकी बेसिस पर एक आर्टिकल लिखा। और प्रेस काउंसिल और प्रेस ओम्बड्समैन पे जो माथुर जी संडे को वो अपना आर्टिकल लिखते थे, अपना उनका आर्टिकल मुख्य लेडी पेज पे उनका छपता था, लेकिन जी उन्होंने पता छापा। माथुर जी की ये सौजन्यता थी कि उन्होंने अपना आर्टिकल नहीं छापा, उन्होंने मेरा छापा। और जब फिर मैं उस पर आगे रिसर्च करना चाहता था, पूरे हिंदुस्तान में नजर दौड़ाई, कहीं कुछ था नहीं रिसर्च करने के लिए, कोर्सेज भी नहीं थे, ये मतलब बड़ा जिसे कहते हैं, ये तो सब बाद में डेवलपमेंट हुआ। तो हमने सोचा किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में, विदेश में ट्राई किया जाए। तो अमेरिकी में हमने चिट्ठियां लिखी, मैं 100 रुपए के एरोग्राम खरीद लाया था, उसमें एक स्टैंडर्ड मैंने लेटर बनाया कि आई एम सो एंड आई वॉन्ट टू डू रिसर्च ऑन दिस एंड दिस टॉपिक, और आई कांट कम ओवर देयर विदाउट ए फेलोशिप। और तो जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की बड़ी लंबी लिस्ट मुझे अमेरिकन सेंटर ने भेज दी थी, तो उसमें जो 10-5 नाम मुझे सुने सुने से लगते थे, मुझे पता नहीं था कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है बुरी है, तो उनको मैंने भेज दिया। और एक हमने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी को भेज दिया था, ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी को। कार्डिफ यूनिवर्सिटी वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इन ब्रिटेन आई शुड से, इन द सेंस कि वहां पहला डिग्री कोर्स वहीं शुरू हुआ था, कार्डिफ यूनिवर्सिटी। ओके तो उनको भेज दिया था डिग्री कोर्स इन जर्नलिज्म, तो उनको हमने भेज दिया था। तो हुआ क्या कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में से जितना भी लिटरेचर मेरे पास आया, लिटरेचर तो उन्होंने बहुत भेज दिया, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा लिटरेचर था कि उसको पढ़ना मेरे लिए 1 महीने का काम था। तो हमने कहा यार इसमें से ढूंढे कि ये कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमने सोचा कि कौन एप्लीकेशन फी नहीं मांग रहा था, या जिसकी सबसे कम एप्लीकेशन फी हो वहां अप्लाई किया जाए, क्योंकि पैसा खर्च करने में मैं कंजूस भी हूँ, मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी। तो पता चला हर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फी मांग रही है, 10, 25, $50। तो उन दिनों फॉरेन करेंसी भी आसानी से नहीं मिलती थी। तो ब्रिटिश जी यूनिवर्सिटी का फॉर्म एक तो 4 पेज का था A4 साइज में, उसमें फोटो भी नहीं लगानी थी, और वो जो है उन्होंने एक लेटर उसमें लगा दिया कि इस फॉर्म को भर दीजिए, और 3 फेलोशिप के नाम बता दिए कि ये आप जो है इनमें आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, इन्हीं में लोग आते हैं अप्लाई करें। तो अच्छा हमने फॉर्म भर दिया, और मैंने वो आर्टिकल जो प्रेस काउंसिल पर लिखा था, प्रेस ओम्बड्समैन पर, उसका अंग्रेजी अनुवाद मैंने उनके बगैर मांगे लगा दिया। ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? लगभग कुछ याद है आपको?
रफली ये मतलब साहब 80 के होगा। दशक के। जी हाँ 80 के मतलब दशक मैं का। इसलिए पूछ रहा था, अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसा मुझे याद आ रहा है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की थी। वो मेरे आर्टिकल के बाद नियुक्त हुआ। अच्छा जस्टिस भगवती हाँ थे शायद, जैसा मुझे याद है यदि हाँ रही है वो जब मेरा ना। आर्टिकल छपा था उसके शायद अच्छा महीने भर अच्छा बाद अनाउंसमेंट हुआ, और अच्छा अच्छा जस्टिस अच्छा अच्छा पीएन जस्टिस पी एन भगवती उसके पहले भगवती, ओम्बडसमैन थे। जस्टिस पीएन भगवती। जी, ठीक पी एन भगवती उसके पहले है। ओम्बडसमैन थे। तो आपने वहां ये अप्लाई अप्लाई मेरा किया जी। ख्याल बात है 88 की या 89 की, शायद ओके ठीक है। शायद 88 रहा हो, एग्जैक्ट मुझे जरा सा भूल गया हूँ। ठीक है तो जी। वहां पे जिस दो फेलोशिप के लिए जो तीन लिखी थी उसके लिए मैं ओवरएज हो गया था। एक जी फेलोशिप जो लिखी थी उसमें उन्हीं के टर्म्स में था कि ये सिर्फ जो ट्यूशन फी कवर करता, तो हमने उसके साथ ये लिख दिया था कि क्या बोलते हैं अगर ये ग्रांट भी हो गई, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने कहा मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यू आर कवरिंग ओनली द ट्यूशन फी। तो उन्होंने जो है फिर इसके बाद वहां पे ये फॉर्म वहां गया वहां गया, उन्होंने चिट्ठी लिखी जाती है हर जगह चिट्ठी आ जाती है, तो मुझे लगा ये हो जाएगा। बाद में जी रिग्रेट लेटर आ गया, तो रिग्रेट लेटर आने के बाद जो है थोड़ा सा मूड एक आध दिन ऑफ रहा, फिर जो जी है हमको एक लेटर आया कि मेरे ख्याल हफ्ते भर बाद ही या 10 दिन बाद, उसमें लिखा था यू हैव बीन अवार्डेड दिस एंड दिस फेलोशिप और फॉर विच आई नेवर अप्लाइड, और फेलोशिप थी FCO यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। FCO का मतलब होता है फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स मतलब इट वाज अ जॉइंट स्कॉलरशिप ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। ये दो अच्छा, तो वहां आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या था जब आप वहां पहुंचे? मेरा एरिया ऑफ रिसर्च जो है प्रेस ओम्बड्समैन और प्रेस काउंसिल ही था, अच्छा, और इसी पे वो काम जब मैं किया। पहुंचा तो वहां दोज वेर द टर्बुलेंट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश प्रेस सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि वहां पे दो बिल प्राइवेट रखे गए थे प्रेस के अगेंस्ट। उसमें एक अच्छा बिल जो है हाउस ऑफ कॉमर्स में 100% MPs ने ओके कर दिया था, उसके पक्ष में अच्छा वोट दिए, और दूसरा बिल जो था उसमें सिर्फ एक MP का डिसेंट था, बाकी ने ओके कर दिए थे। तो वो जो है वहां अच्छा पर ये बड़ा मेजर मुद्दा था उन दिनों, प्रेस फ्रीडम, प्रेस काउंसिल, और प्रेस काउंसिल वाज लेटर डिसबैंडेड देयर, तो वगैरह वगैरह ये सब हुआ। तो मेरी रिसर्च उसी पर थी एंड अच्छा इट वाज क्वाइट जी। एंजॉयबल। लेकिन मेरे ख्याल ब्रिटिश प्रेस काउंसिल जो है, जिसको शायद प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन कहते हैं अब, और बाद में इसका नाम जी मेरे ही सामने प्रेस काउंसिल जी डिसबैंड करके प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन नाम दिया गया, जी और जी मेरे सामने तक वहां प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन था, फिर इसके बाद वो भी अच्छा, डिसबैंड कर दिया गया और दूसरा कुछ हुआ, वो भी खत्म हो गया। तो वो भी करीब आप खत्म 2 साल रहे फेलो, मतलब पीएचडी के लिए ही गए होंगे ना वो? नहीं, हो पीएचडी बाद में किया गया। आपने। करीब करीब मैं वहां रहा, मेरी शुरू में फेलोशिप 2 साल की थी, फिर वो जी दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर अंदर 1 ईयर, और पहले मैं समझता था कि जैसे भाई दो किताबें पढ़ के तीसरी लिख दो, अच्छा और जी ये हो गया कंप्लीट। फिर वहां हमने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ लोगों की डॉक्टरेट वापस ले ली जिनको अवार्ड हो चुकी थी, क्योंकि अच्छा। बाद में पता चला कि ये डॉक्टरेट इस लायक नहीं है, तो उनको वापस ले लिया गया। तो हमें लगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो आई वर्क वेरी हार्ड देयर। तो मेरी जो थीसिस है वो कम से कम 1.5 PhD थीसिस के बराबर तो होगी या 2 PhD थीसिस के बराबर होगी। तो जी उसमें जो है मुझे 3 साल से ज्यादा लग गए, अच्छा। 3 साल की फेलोशिप थी, फिर हमको कुछ समय ओवर स्टे करना पड़ा वहाँ, और उन्हीं दिनों मेरा एक अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेबोर्ग स्वीडन में हो गया था। स्वीडन में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेबोर्ग में जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ छोटा सा अपॉइंटमेंट था, लेकिन क्या घर से इतने दिनों से बाहर था और मैं माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो हमने सोचा यही सब हम करते रहेंगे तो ये कोई जीवन तो है नहीं। तो मैं जी इंडिया वापस आ गया और नवभारत टाइम्स से छुट्टी लेके गया था और यहीं आके ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो वापस नवभारत टाइम्स में करियर की शुरुआत की आपने आगे फिर?
हाँ मतलब आके यहीं रिज्यूम माई सर्विस है, और ये लोग भी कह रहे थे लौट के आइए लौट के आइए। हाँ अच्छा, तो लेकिन फिर सर जब आप अखबारों में, मेरे ख्याल 5 6 7 8 साल हो गए आपको, तो फिर टीचिंग की ओर कैसे झुका हुआ आपका, मतलब क्यों पांच आप उधर बढ़े? पांच छह साल नहीं बल्कि 20 साल हो गए ये सब करते अच्छा, करते। पत्रकारिता में 20 साल किया काम आप? अच्छा, मुझे लगा छोटी नहीं छोटी इनिंग रही। तो 20 साल नहीं पत्रकारिता करने के बाद फिर अचानक टीचिंग की तरफ, तो उसका कैसे हुआ क्या, हुआ आपको? जी जी क्या, नवभारत टाइम्स का लखनऊ एडिशन इन्होंने बंद कर दिया, आपको जी हाँ शायद पता हो जयपुर एडिशन भी बंद हुआ हाँ था, जयपुर भी बंद हो गया, मालूम है मुझे, बहुत और सारे सबसे पहले पत्रकार बेरोजगार हो गए। लखनऊ एडिशन बंद किया। जो लखनऊ एडिशन जब बंद किया तो हमारे पास संकट आ गया कि अचानक बंद किया, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमें पहले से पता होता तो मैं स्वीडन में जाके ज्वाइन कर लेता वो गोटेपुर यूनिवर्सिटी में। हाँ। अब यहाँ आके पता चला कि इन्होंने अचानक बंद कर दिया, मैंने शायद मार्च में ज्वाइन किया था, इन्होंने मई में बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन तो हमने सोचा किसी और अखबार में काम किया, और जी चूंकि नरेंद्र मोहन हमें जानते थे तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस था कि नरेंद्र मोहन के अखबार में कहीं ना कहीं नौकरी मुझे मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन हमारे एक गुरु थे सीताराम निगम, उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, कभी आपने छापा भी हाँ, होगा। प्रोफेसर एसआर निगम। हाँ हाँ एस आर निगम, हाँ उन्होंने एसआर निगम उन्होंने जी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट जी स्टेब्लिश किया था, फाउंडर थे जी और जी हिंदुस्तान जी टाइम्स जी के बाद में काम करते थे। उन्होंने कहा कि संतोष अब तुम कहीं नौकरी न करना, तो हमने कहा नौकरी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, बोले सब चलता रहेगा आप चिंता ना करो। उन्होंने कहा नाउ यू आर मोर फिट फॉर एकेडमिक्स, तो उनके कहने से मैंने कहीं नौकरी नहीं की। फॉर 1.5 ईयर 800 मैं सड़क पर रहा, और जब जिसे मैं कहता हूँ सड़क पर रहा तो वो ऐसा नहीं था कि धूल फांकता रहा, क्योंकि मैं जब वहाँ इंग्लैंड में पीएचडी कर रहा था तो मेरी फेलोशिप बहुत ज्यादा थी और मेरी जेब में कुछ पैसे ज्यादा थे, तो मैंने हिंदुस्तान में काफी ट्रेवल किया और आपके राजस्थान में भी ट्रेवल किया, और मुझे अच्छा मुझे इग्नू ने बुलाया कोर्स बनाने के लिए, जो इनका पहले जो डिप्लोमा अच्छा कोर्स हुआ था तो उसमें काम किया। तो जी पहला जॉब मुझे मिला, इसके बाद जब मैं एकेडमिक्स में ढूंढ रहा था तो पहला जॉब मुझे मिला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जी वहाँ लेक्चरर का जॉब था, और ऑल ऑफ ए सडन हमसे बी.एस. ढैया साहब वहाँ पे वाइस चांसलर थे, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या कंडीशंस होंगी यहाँ आने के लिए। तो हमने कहा मेरी कोई कंडीशन नहीं, आई एम ऑन द रोड, आप हमें नौकरी दे दीजिए मैं आ जाऊंगा। तो खैर उसके बाद मैं आ गया, और उसके बाद मुझे पता चला जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर आया तो मुझे उन्होंने 10 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए थे, जो अच्छा, कि मतलब कैसे दिए मतलब जी नहीं मिलते हैं, दो चार तो मिलते हैं लेकिन 10। मेरे ख्याल देश में एक ही उदाहरण होगा ऐसा, कि इतने इंक्रीमेंट देके किसी को हाँ ऑफर इतने दिया गया इंक्रीमेंट दिए उन्होंने, और बिना किसी कंडीशन के। आपने कोई कंडीशन नहीं रखी मैंने थी? तो मांगे भी नहीं थे। हाँ, तो इसके बाद उसी समय मेरा अपॉइंटमेंट एज ए रीडर, जिसको आजकल एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, एसपी यूनिवर्सिटी शिमला में हुआ। तो जी मुझे वो ज्यादा ये सब पता नहीं था, रीडर रीडर ये सब मैं एकेडमिक्स के बारे में जानता नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा यार शिमला ज्वाइन करो, तो जी हमने कुरुक्षेत्र में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन एक बार मैंने वहां पे सिलेक्शन कमेटी में साहब थे उनसे पूछा कि ये 10 इंक्रीमेंट कैसे दिए, तो रैया साहब ने बता कहा उस कमेटी में कि देखिए ये लड़का जो है आज अनएम्प्लॉयड है तो इसकी कोई कंडीशन नहीं, आ जाएगा लेकिन ये आने के फौरन बाद छोड़ देगा, ये कहीं और चला जाएगा। तो हम लोग एक इंटरव्यू करते हैं तो उस इंटरव्यू के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, साल भर उसका ये निकालो वो निकालो, एडवर्टाइजमेंट निकालो, सिलेक्शन कमेटी बनाओ, तो एडिशनल इंक्रीमेंट दे दिए जाए, तो इस कारण से उन्होंने हमको एडिशनल इंक्रीमेंट दिया, ऐसा मुझे लोगों से पता चला। जी, तो फिर तो आपकी फर्स्ट नियुक्ति शिमला में हुई, मतलब वहां ज्वाइन जी किया आपने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। हाँ जी, जी, तो फिर एसोसिएट आगे? प्रोफेसर में जी, जी तो फिर ये आपके जो, जैसा
जानकारी मुझे मिली थी, मैं आपका वो पढ़ रहा था प्रोफाइल वगैरह, तो 6-7 यूनिवर्सिटीज में ऑफर मिले और आपने कुछ जगह चेंज भी किया, बड़ौदा गए, सिलचर गए, तो ये जो एक तो मैं अखबारों का आदमी रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता फ्यूचर के बारे में कि जैसे लोग आते हैं उसी दिन से कैलकुलेट करने लगते हैं कि अब मेरा ये होगा फिर वो होगा वो होगा। तो हमने जब शिमला यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो हमें उसी दिन लग गया कि यार यहाँ ज्यादा दिन नौकरी नहीं चल सकती। तो सैटरडे को ज्वाइन किया था तो संडे के दिन जो है वहाँ गेस्ट हाउस में रह रहा था, तो गेस्ट हाउस से निकल करके आ रहा था इधर, तो रस्ते में वाइस चांसलर ऑफिस पड़ा, वहाँ वाइस चांसलर की गाड़ी खड़ी थी, तो हमने सोचा मिलके इनको थैंक्स कर दें। तो वो थैंक्स देने गए और वही मैंने उनसे कहा कि यहाँ ज्यादा दिन नौकरी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। यहाँ का जीवन हमको ऐसा ही लगता है कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई बीच में खड़ा हो गया, थक गया है। हमने कहा ये सब ऐसे नहीं चलेगा। वो हमसे बोले कि देखो नौकरी लग गई है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। खैर बात तो सही थी। उसके बाद जो है वहां जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो कभी हमें लगा यार ये तो एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर की बड़ी नौकरी होती, तो प्रोफेसर की नौकरी निकली। और इंटरव्यू उन्होंने लिया दिल्ली में, तो सिलचर के बारे में पता नहीं था जहां असम यूनिवर्सिटी बेस्ड है जी। तो हमने फिर वहां पे असम यूनिवर्सिटी ज्वाइन, हाँ उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। तो जब मैं शिमला से जाने लगा तो शिमला के वाइस चांसलर ने हमसे कहा कि देखो छोड़ के ना जाओ, रिजाइन करके ना जाओ, पहले आप जाओ वहां पे जाके देख लो सब ठीक ठाक होगा तो हम आपका बैक डेट से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, हमको भेज देना। अच्छा तो जब गए वहां तो सिलचर वाज ए वेरी रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, और उन दिनों तो ऐसा लगता अब तो हो गया मेन स्ट्रीम में, वो तो एयरपोर्ट ही 50 किलोमीटर दूर है साहब, मैं तो कई बार गया हूं सिलचर। जी हां नहीं वो तो उन दिनों तो और खराब हालत थी, तब तो वो कैंपस ही नहीं था, लेकिन वो जो है टेररिस्ट एरिया था उन दिनों। तो हम गए वाइस चांसलर के पास जी, तो उसके पहले की हमारी उनकी बात हो, हमने बताया कि रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये हुई वो हुई, तो जे बी भट्टाचार्य जी वाइस चांसलर थे वो हमसे बट बोले बट प्रोफेसर तिवारी दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया। पार्ट ऑफ इंडिया तो है ठीक है, लेकिन मतलब ये तो बड़ा दिक्कत वाला। उन्होंने अपने पीए को बुलाया और बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कि ही हैज जॉइंड हियर टुडे और ये डिपार्टमेंट एंड डीन ऑफ द स्कूल वगैरह वगैरह। तो हमने तो मैंने तो अभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो बोले कि नहीं साइन कर लीजिए, तो मैंने अभी वहां रिजाइन नहीं किया। अच्छा हमने तो मेरी वहां के वाइस चांसलर ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो उन्हीं के उस पर मेरा रेजिग्नेशन टाइप हुआ, उन्हीं के फैक्स से भेजा गया शिमला रेजिग्नेशन, और मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने मेरा बैक डेट से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। फिर सिलचर वाज ए डिफिकल्ट प्लेस जी, मतलब पर्टिकुलरली फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम असम टू द मेन स्ट्रीट जी द मेन लैंड, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी जी। कभी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली थी, वहां हमने अप्लाई किया, उसमें एमवी कामत वाजमाई वो बोर्ड में थे, सिलेक्शन बोर्ड में थे जी जी, कामत टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे और इलस्ट्रेटेड वीकली एक बड़ा पुराना मैगजीन होती के एडिटर रहे और बाद में प्रसार भारती के चीफ भी रहे। तो ही इंटरव्यू बोर्ड, मेरा ख्याल है जो मेरा वहां सिलेक्शन हुआ वो एमवी कामत की वजह से हुआ, कोई और होता तो शायद मेरा सिलेक्शन भी ना करता। कामत जी के जो दो किताबें बड़ी पॉपुलर है, जर्नलिस्ट हैंडबुक और प्रोफेशनल जर्नलिज्म, जी हाँ जी हाँ, आज भी बच्चे पढ़ते हैं उस किताब, हाँ, वो बड़ी बहुत पॉपुलर किताबें हैं जी जी।
कामत जी की एक खास बात ये थी कि वो बहुत ही सरल आदमी थे। एक दिन बड़ौदा में मेरे पास उनका फोन आ गया, बोले मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं बड़ौदा में हूँ यार, हमने कहा इतना बड़ा आदमी हमसे मिलना चाहता, हमने कहा आप जो है भेजिए और हम भी आएंगे और आप हमारे स्टूडेंट से मिलिए। तो उन्होंने लेक्चर कराया। तो एम वी कामत वो आदमी थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे की ट्रायल भी कवर की थी, उन दोनों रिपोर्टर में। तो ट्रायल भी कवर की, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और उस दिन उन्होंने मुझे एक किताब अपनी दी और वो दी थी, और वो किताब थी ऑन एक्सीलेंस, वो थी परपूट ऑफ एक्सीलेंस, मतलब एक्सीलेंस क्या चीज होती जी, ये जो है इस पर थी। अच्छी किताब है, अभी भी मेरे पास रखी है। और जी जी उन्होंने एक बुक जो है शिरडी के साईं बाबा पर भी लिखी थी, वो भी एक रिसर्च की बुक थी। ये जी। वाले प्रोलिफिक राइटर। फिर वहां बड़ौदा से आप जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड। बड़ौदा में क्या हुआ कि जी वहां पे रिटायरमेंट एज जो है वो 62 थी जी और यहाँ रिटायरमेंट एज 65 थी। जी और यहाँ जॉब निकलने वाली थी और मुझे पता चल गया, तो हमने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद फिर हम वहां से छोड़ के यहाँ आ गए। अच्छा, लोगों ने कहा कि अरे वहाँ झारखंड में तुम्हें तो डर नहीं लगता और वो तो जंगल में यूनिवर्सिटी है। तो हमने कहा देखो, जो सिलचर में रह आया हो उसको कहीं भी तो इंडिया में कहीं भी डर नहीं लगेगा। जी जी तो मुझे लगता है कि चाहे आप पत्रकारिता में रहे, चाहे आप टीचिंग में रहे, जीवन के उस रोमांच को आपने हर जगह महसूस किया। जी हाँ सर, कहीं कहीं अलग अलग तरह की चुनौतियां थी और लेकिन बहुत उल्लास और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपने उन सारी चीजों को जिया। लेकिन आपकी इस पूरी बातचीत से मुझे लगा कि आपका जो संवाद संपर्क देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने एक तरह से पत्रकारिता का जब भी इतिहास लिखा गया है, लिखा जाएगा, उन सभी को बहुत सम्मान के साथ याद किया जाएगा। चाहे वो माथुर साहब हैं, चाहे एम बी कामत जी हैं, टीचिंग में एस आर निगम साहब की आपने बात की, तो इन सबसे जो प्रेरित होकर के आपने अपने व्यक्तित्व को जिस तरह से विकसित किया आज के इस मोड़ पर, क्योंकि आपने वो दौर देखा है इमरजेंसी का, इमरजेंसी से पहले का, बाद में प्रेस फ्रीडम का, ओम्बुड्समैन का, बाहर भी गए आप, तो उस सारे दौर में आपको क्या लगता है, आप सिलेक्शन कमिटीज में भी गए, क्या लगता है आपको कि जो अब पीढ़ी आ रही है विद्यार्थियों की, पत्रकारों की, क्योंकि अब सेवानिवृत्ति के बाद भी आप निरंतर कुछ न कुछ लिख रहे हैं और कई अखबारों में आप लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक ताकत भी आप महसूस करते हैं अपने स्वयं के अंदर, तो अब आपको क्या लगता है कि जो पढ़ाई हो रही है मीडिया डिपार्टमेंट्स में, आपने इतने डिपार्टमेंट देखे, उसमें जो बच्चे निकल के आ रहे हैं और जो सिलेक्शन कमेटी में आपके सामने आते हैं, तो उनका क्या महसूस करते हैं, और ये जो आपका विविध अनुभव है, तो आप क्या कुछ ऐसे गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी यदि उनका अनुसरण करती है, क्योंकि आपने बहुत लिखा है, बहुत सारा लेख मैंने पढ़े भी हैं, आपने मैं क्यों लिखता हूं उसकी बात की, लेखन के कुछ आपने मूलभूत उन सिद्धांतों की भी बात की, तो नटशेल में आप किस तरह की गाइडेंस हमारे इन विद्यार्थियों को देना चाहेंगे शोध और एजुकेशन की स्थिति को देखते हुए। जी देखिए साहब जी, इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है। जी जी स्टैंडर्ड आंसर है जी, महात्मा गांधी की हत्या हुई जी 30 जनवरी को, तो उसके 10 दिन पहले या 8 दिन पहले उनकी जो प्रार्थना सभा थी उसमें एक बम विस्फोट हो गया था जी, और वो बम विस्फोट में कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो विस्फोट हुआ, बात खत्म हो गई। तो एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से पूछा कि अगर आप मर गए होते और या मर जाएं तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा आज की पीढ़ी के लिए। जी महात्मा गांधी ने थोड़ा सोचा और महात्मा गांधी बोले, अच्छा महात्मा गांधी बड़े शॉर्ट सेंटेंस इस्तेमाल करते थे, वो शॉर्ट सेंटेंस, तो महात्मा गांधी बोले माय लाइफ इज माय मैसेज। जी जी मेरा जीवन ही संदेश है। मेरा जीवन ही, देखिए जो जिस जीवन को मैंने जिया वही मैं दे सकता हूँ ना। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं नहीं दूसरा तरह का जीवन तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ।
जी तो जी मैं यही कह सकता हूँ कि मीडिया बहुत बदल गया है, जी मीडिया बहुत बदल गया है, तो उसके हिसाब से मीडिया टीचर्स को भी बदलना है। और सबसे बड़ा सोशल मीडिया आ गया जी और सोशल मीडिया बड़ा ही अनऑर्गेनाइज मीडिया है, तो दो चीजों पे हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो ट्रुथ, क्योंकि फेक न्यूज बहुत आ गई है, हमको जी ट्रुथ पर जो है मैक्सिमम, और वही आपको कॉन्फिडेंस देगा, वही आपको आगे ले जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ट्रुथ इज द जी मेन थिंग। लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च जो कर रहे हैं उससे जनता का क्या फायदा हो रहा है भाई? एक रिसर्च टॉपिक है, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन द रिसर्च टॉपिक, बट हाउ द जी सोसाइटी कुड बी बेनिफिटेड बाय द रिसर्च टॉपिक, एक ठीक तो है ये। फिर जो रिसर्च की उसमें उन्होंने रेफरेंसेस नहीं लिखे, ये तो अक्रॉस द कंट्री ये झमेला चल रहा है। कुछ लोगों ने ठीक किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का अभी भी ये चल रहा है। तो रेफरेंस राइटिंग बहुत जरूरी है। अब और मैं क्या बताऊं ना, चलिए चलिए सर, मान अब अंतिम सवाल है, कोई ऐसा अवसर मिले, ऐसी टाइम मशीन हमको मिले जो आपको फिर 50 साल पीछे ले जाए और वापस आपको काम करने का मौका मिले, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करने की सोचते रहे जीवन के इस मोड़ पर, चाहे पत्रकारिता में रहे चाहे टीचिंग में रहे, कि मैं कुछ ऐसा कर पाता, कभी सोचते हो तो कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी रह गई हो कि ये हम करते हमारे प्रोफेशन में या मीडिया में तो फिर मौका मिले तो हम वो करना चाहें, ऐसा कभी कोई चिंतन चला हो तो? ये यस तो जी बड़ा मिसकंसेप्शन जो है, ब्रिटिश जी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, और उसी को जो हमारा इंडियन मीडिया फॉलो कर रहा है, जी उस मिथ को जो भी तोड़ दे वो मैं जी समझता हूँ कि सही मीडिया मैन है। जी और वो मिथ ये है कि हर आदमी समझता है कि एडवर्टाइजमेंट से ही मीडिया चल सकता है, जी चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट, जी सोशल मीडिया हो, कभी कभी आप फेसबुक पे डाल देना वो एक अलग चीज है, जी लेकिन लोग आज उस पर भी पैसा पैदा कर रहे हैं, वो अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी थ्रू बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट। जी तो एडवर्टाइजमेंट का मिथ है ये गलत है, कि जहां आप किसी का एडवर्टाइजमेंट लेते हो, जहां आप किसी की बुक रिव्यू लिखते हो, तो वो है आप उसके हाथों में बिक जाते हो, बिल्कुल और आपकी अपनी इंडिपेंडेंस उसी दिन जो है अपने किनारे। बिल्कुल और बिल्कुल ये जो है ये हमारा अमेरिकन मीडिया सिखाता है, हमारा ब्रिटिश मीडिया सिखाता है, और हमारा इंडियन मीडिया भी सिखाता है यही सब, और यही हमारे बच्चे जानते हैं, यही हमारे टीचर जानते हैं। बट देयर हैव बीन मैगजीन्स, महात्मा गांधी ने जब इंडियन ओपिनियन वहां साउथ अफ्रीका में शुरू किया तो उसमें एडवर्टाइजमेंट छपते थे, लेकिन जब वो भारत आए और भारत में उन्होंने ये निकाला यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन हिंदी, नवजीवन गुजराती, और इसके बाद जब वो बंद हुआ तो उन्होंने निकाला हरजन, हरजन बंधु, हरजन सेवक, हरजन बंधु उसमें था गुजराती में, हरजन सेवक, इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं छपते थे। एंड बिल्कुल ये सारे अखबार लास्ट पे नहीं गए, सारे अखबार लास्ट पे नहीं गए, बल्कि जो यंग इंडिया और नवजीवन था उससे तो उन्होंने इतना पैसा पैदा किया कि जिससे बाद में वहां पे जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई, गुजरात विद्यापीठ। जी जी ये जो हमारा मिथ है कि हम अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं छापेंगे तो हम भूखों मरने लगेंगे, इसमें थोड़ा सा रिथिंकिंग की जरूरत है। क्योंकि जी एक सज्जन निकलती कल्याण गोरखपुर से, गीता प्रेस की, जी जब कल्याण निकालने के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार को जब विचार आया तो वो महात्मा गांधी से मिले, उनका आशीर्वाद लेने गए, तो महात्मा गांधी ने कहा देखो ऐसा है कि इसमें कोई विज्ञापन न छापना और इसमें कोई बुक रिव्यू न छापना, क्योंकि बुक रिव्यू भी मतलब ज्यादातर बुक को जो है बढ़ावा देने के लिए छापे जाते हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो। जी तो वो कल्याण तब से आज तक फॉलो कर रही है, आज जी भी कल्याण में कोई विज्ञापन नहीं छपता, और वो 98 ईयर्स उसके हो गए, जी 98 ईयर्स बिल्कुल छप गए हैं,
वो कोई दान नहीं लेती, विज्ञापन नहीं छापती, वो कोई बुक रिव्यू नहीं छापती। और वो मैगजीन अभी भी करीब 2.25 लाख के करीब, आज इंटरनेट में इतना सब सोशल मीडिया हो गया है, तमाम चीजें जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, 2.25 लाख करीब छपती। और ये वो छपती है जिसका एडवांस में जो है सब्सक्रिप्शन आ जाता है। तो इस दिशा में लोगों को थोड़ा सा बताने की जरूरत है जो कि नहीं बताया जा रहा है। जी। और तो और मतलब मैंने यूजीसी में कोर्स बनाया, ये क्या बोलते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सब का जो एक मॉडल करिकुलम माना जाता है। तो मुझे तो ये सब पता नहीं था, तो मैंने ये बातें नहीं डाली ना, अपनी भी जिम्मेदारी है ना, जो मुझसे गलती हुई। सही 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 बात। नहीं तो लोगों को इस बारे में थोड़ी जानकारी होती, बस यही है। चलिए, आपने कल्याण का उदाहरण दिया और मुझे भी अवसर मिला वहां जाने का। और वो जो प्रिंटिंग प्रेस जिसमें कल्याण के शुरू के अंक छपते थे, वो भी वहां उन्होंने प्रदर्शित कर रखी है। निश्चय ही आपकी जो पूरी पत्रकारिता और शिक्षण की यात्रा है उसमें बहुत रोमांच भी है और बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ आपने काम किया है। बहुत सारे आपके विद्यार्थी आज महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर रहे हैं और अभी भी आप नियमित रूप से जिस तरह से काम कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ये सौभाग्य मिला है आपसे सतत संवाद करते रहने का। और कितने आपके पास उदाहरण अलग अलग तरह के, और वो सब इस तरह से याद है मानो कल की ही घटनाएं हैं। जिस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं उन सारी चीजों को, वो मुझे लगता है एक फिल्म की भांति आंखों के आगे से गुजर रहे हैं। जिन पत्रकारों के नाम आपने लिए, उनके खुद के व्यक्तित्व इतने महान है कि मुझे लगता है कभी मौका मिला तो उन व्यक्तित्वों के प्रसंगों पर अपन कभी बात करेंगे, किस तरह के आपके अनुभव रहे। आपने हमें इतना समय दिया और बातचीत की। और आप जरा मुझे समय दे दीजिए। जी जी बिल्कुल, इस सब में आपका भी बड़ा योगदान है। आपने हमें प्रेरित किया कि आप मेरे हर अंक में लिखिए। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन टुडे में आपका एडवाइजरी रोल भी है। और अगर हर अंक में नहीं लिखा तो भी लगभग बहुत से अंकों में लिखा। हाँ नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल, आपका भी मतलब बहुत बड़ा योगदान है, वो मैंने अपनी बुक में कहीं लिखा भी है। जी जी तो मैं लिखा भी है। और दूसरी बात और बता दें, वो बुक जो है वो सपने सच होते हैं, डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी, तिवारी की स्पेलिंग मेरी TEWARI है, वो उसमें किंडल पर, और जो लोग किंडल अनलिमिटेड के मेंबर हैं वो फ्री में पढ़ने के लिए अवेलेबल है। जो उसको खरीद के ना पढ़ सके वो डायरेक्ट आपसे मंगा लें, आप मेरी कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल है मेरे पास, और वो आप मेरी कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए। कोई जो है वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप कहें तो मेरी वेबसाइट पे भी डाल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिए। यदि कोई तकनीकी दिक्कत नहीं हो तो कम्युनिकेशन टुडे की वेबसाइट है, उस पर भी उसको अपन, हाँ हाँ उसको भी डाल सकते हैं। जी तो जो मित्र हमें सुन रहे हैं जानकारी के लिए, जैसा तिवारी साहब ने कहा कम्युनिकेशन टुडे में आपने बहुत लिखा है, और जो भी मित्र उनके आलेख पढ़ना चाहें, कम्युनिकेशन टुडे के सारे अंक हमारी वेबसाइट communicationtoday.net इस पर उपलब्ध हैं। और जैसा आपने कहा कि वो पुस्तक भी मैं जल्दी ही वेबसाइट पर डाल दूंगा जहां आपका प्रोफाइल हमने दे रखा है, क्योंकि कम्युनिकेशन टुडे के एडवाइजरी बोर्ड में भी तिवारी जी का मुझे लंबे समय से सहयोग मिल रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे जो मित्र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ तिवारी जी के लिए शुभकामनाएं कि वो निरंतर इसी तरह से अपने लेखन और सृजन के उसमें निरंतर लगे रहें। आपका आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।